पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को सरकार के दबाव में आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने महंगाई, किसानों और महिलाओं की नाराजगी पर भी टिप्पणी की है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने आज बड़ा आरोप लगाया है कि सरकार के दबाव के कारण विधानसभा चुनाव को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि यह चुनाव महाराष्ट्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि चुनाव अक्टूबर में होने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार के दबाव की वजह से इसे आगे टाल दिया गया है। महाविकास आघाड़ी की ओर से बोलते हुए उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी और हम पूरी तरह से तैयार हैं। आज समाज के कई वर्ग जैसे किसान और महिलाएं सरकार से नाराज है। महंगाई बढ़ती जा रही है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं और किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जिससे व्यापक नाराजगी है। जगह वितरण के मुद्दे पर अनिल देशमुख ने बताया कि आघाड़ी के बीच 15% सीटों का फैसला अभी बाकी है और इस पर जल्द ही चर्चा होगी। काटोल विधानसभा सीट पर बोलते हुए देशमुख ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक काटोल सीट की मांग नहीं की है, इसलिए यह सीट राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हिस्से में आएगी। जब उनसे सलील देशमुख के चुनाव लड़ने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम मिलकर तय करेंगे कि कौन कहां से चुनाव लड़ेगा। टोल माफी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ मुंबई और ठाणे तक सीमित है, यह फैसला केवल चुनाव तक सीमित है या पूरे महाराष्ट्र के लिए होना चाहिए था। संजय राउत के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि संजय राउत जो भी बोलते हैं उसके बाद विपक्ष उनकी बातों पर ध्यान देता है। राउत गहन अध्ययन के बाद ही अपनी बात रखते हैं। 12 विधायकों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के समय हमने सूची भेजी थी, लेकिन तब के राज्यपाल ने राजनीति की और दामों की मंजूरी नहीं दी। यह फैसला गलत है। जब कोश्यारी राज्यपाल थे तो उन्होंने एक पार्टी कार्यकर्ता की तरह काम किया, यह महाराष्ट्र ने देखा है। राष्ट्रवादी महाराष्ट्र अतिशय महत्व की आम्ही आतुरतेने वाट पाहत होतो की केव्हा आचारसंहिता लागणार आणि केव्हा निवडणुका होणार, कारण की तशाही ऑक्टोबरमध्ये निवडणुका व्हायला पाहिजे होत्या, पण मला वाटतं सरकारच्या दबावाखाली इलेक्शन कमिशननी अजून निवडणुका पुढे ढकलल्या। पण ठीक आहे, एकदा त्याची घोषणा होईल आणि निवडणुकीचा जो संपूर्ण टाईम शेड्यूल आहे तो आज माहीत पडेल। या निवडणुकीसाठी महाविकास आघाडीच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष असो, शिवसेना असो, राष्ट्रवादी आमचा पवारसाहेबांचा पक्ष असो, आम्ही एकोप्यानं या निवडणुका लढणार आहोत। आणि राष्ट्रवादी आमच्या पक्षाच्या बाबतीत आमची संपूर्ण महाराष्ट्राच्या स्तरावर आमची तयारी झालेली आहे। निवडणूक लढवण्यासाठी आम्ही महाविकास आघाडी सज्ज आहोत आणि या निवडणुकीमध्ये 100% महाविकास आघाडी आणि आमचे जे एवढे मित्रपक्ष आहेत काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि मित्रपक्ष या सर्वांना घेऊन ही निवडणूक आम्ही लढू आणि 100% या पद्धतीनं आम्हाला प्रतिसाद मिळतो आहे। आज आपण पाहिलं शेतकरी नाराज आहेत, आमच्या महिला नाराज आहे, मोठ्या प्रमाणात महागाई वाढली, खायच्या तेलाचे भाव वाढले आहेत। 105 रुपये जे खायचं तेल होतं आता 150 रुपये प्रति लिटरप्रमाणे तेल झालेलं आहे, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात समाजामध्ये नाराजी आहे। शेतकऱ्यांच्या मालाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, धानाला भाव नाही, कापसाला भाव नाही, अशा पद्धतीनं भारतीय जनता पार्टीचं सरकार 2 वर्ष या महाराष्ट्राने पाहिलं। महाराष्ट्रातील जनता निवडणुका केव्हा लावतात, महाराष्ट्रातील जनता निवडणुका केव्हा लागतात आणि कसं आम्ही भारतीय जनता पार्टी त्यांच्या मित्रपक्षाचा पराभव करतो याची आतुरतेनं आम्ही सर्व वाट पाहत आहोत। जागा वाटपाचा तिढा कधीपर्यंत सुटेल, कधी जाहीर होईल, कधी पत्रकार? कैमरा पर्सन राजकुमार बहुट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।